हेलो दोस्तों, टेक रन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर फॉर्म भरने के लिए कोई कैफ़े जाते हैं। तो हम में से सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें हम लोगों को एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसका साइज़ 10 KB से लेकर 50 KB या फिर 50 से लेकर 100 KB के बीच में होता है। अगर आप कैफ़े में जाके फॉर्म भरते हैं तो सारा चीज़ वही लोग कर देते हैं, फ़ोटो दे देते हैं हम, और वो सारा अपलोड करके स्कैन करके KB को रिड्यूस करके सभी अपलोड कर देते हैं। मगर जो मोबाइल से फॉर्म भरते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो भी फ़ोटो हम लोग मोबाइल से क्लिक करते हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो के साइज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका साइज़ आप देखेंगे 0.99 MB, यानी कि लगभग 1 MB के लगभग ये साइज़ है। तो इसको अगर हम लोग फॉर्म में अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैक्सिमम 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो वो एप्लीकेशन कौन सा है, किस नाम से है, वो सारा चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद सिलेक्ट इमेज इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको गैलरी में जाके वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है जिसका साइज़ आप रिड्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 970 KB का ये फ़ोटो है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए सिंपली आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, देन रिड्यूस इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको बहुत सारा साइज़ मिल जाएगा। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप 670x800 इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और एक बार फ़ोटो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में दिखाएगा कि ये 53 KB का है, यानी अभी भी ये रिड्यूस नहीं हुआ है। तो वापस हम इसे क्या करेंगे, रिवर्ट इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो पहले का साइज था वही हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से 3 डॉट पे जाना है और फिर से रिड्यूस, और यहाँ से उसके बाद वाला जो ऑप्शन है 525x640 VGA इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे शो करेगा कि 34 KB का है, यानी कि 34 KB का है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए फिर से आपको 3 डॉट पर जाना है, देन सेव एज इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ऊपर में वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है जहाँ इसे आप सेव करना चाहते हैं, और नीचे आपको नेम दे देना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव हो गया है। अब चलिए मैं आपको गैलरी में चल के दिखा देता हूँ कि हमारा फ़ोटो रिड्यूस हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगर इसका डिटेल्स चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.42 KB का है, जो कि फॉर्म में अपलोड करने लायक है। तो इसी तरह से आप कोई भी फ़ोटो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको आप यहां से रिड्यूस करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहां से करना है। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है रिड्यूस फोटो साइज, और ये वाला जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है आपको रिड्यूस फोटो साइज, इसका आप आइकॉन भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आइकॉन है। इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।